चाल तो है सरकार की, अरविंद केजरीवाल बाहर ना आए ऐसे वो प्रचार करेंगे तो उनका ज्यादा दबदबा और बढ़ेगा। जेल में तो इन्हें जबरदस्ती में रखा गया। हम तो कहते हैं जो जैसे जो है आदमी जिसको सजा मिले। लड़ाई का मजा जब आता है दोनों पार्टी बराबर की लड़े, जब उनको छोड़ देना चाहिए, वो इतने कसूरवार नहीं है, उनके ऊपर बयान लगाया गया है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज एबीपी लाइव की टीम आई है दिल्ली के संगम विहार में। आपको पता ही होगा राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने फिलहाल जमानत दे दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुनवाई चल रही थी, लेकिन इसमें अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है और तो और उनकी रिमांड भी बढ़ा दी है। लेकिन इस पूरे मामले को दिल्ली की जनता कैसे देखती है, यही जानने के लिए बस दिल्ली के संगम विहार में आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रिमांड बढ़ा दी गई है, जेल में भी उन्हें कुछ समय और रहना होगा, क्या कहेंगे? अब बाहर आने चाहिए, वो तो हमारे हिसाब से बाहर आने चाहिए इस समय। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती जेल में रखा गया क्योंकि चुनाव आ रहा है। लड़ाई का मजा जब आता है दोनों पार्टी बराबर की लड़े, जब अब एक को अंदर कर दो एक लड़ता रहे तो उससे क्या फायदा होगा लड़ाई से? विपक्ष में कोई तो रहना चाहिए साथ में, जब भी काम सही होता है विपक्ष का। जब विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होगा तो आप तो मनमानी करते रहोगे, उससे क्या फायदा होगा मनमानी करने से? अच्छा, संजय सिंह को जमानत मिल गई, आपको पता होगा, क्या कहेंगे? संजय सही किया जो जमानत दे दी उन्हें, कम से कम एक कार्यकर्ता तो बाहर आया, चार पांच अंदर हैं तो एक तो निकले कम से कम बाहर के लिए, तो कुछ तो करेंगे यहाँ पे आकर के, आम पब्लिक में आएंगे बताएंगे अपनी समस्या सॉल्व करेंगे, कुछ तो होगा उनसे। केजरीवाल को भी बाहर ही आना चाहिए इस समय। केजरीवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने मतलब प्राइवेट स्कूल भी फेल करवा दिए, सरकार ने इतने अच्छे बनाए, पानी भी दिया है और बिजली फ्री करवाई है और मतलब बहुत अच्छे हैं मतलब। लेकिन उनकी रिमांड और बढ़ गई है, आपको पता है। लेकिन उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सच है वही बात लानी चाहिए उनको भी, लेकिन गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, बाहर आना चाहिए उनको, क्योंकि गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनको, गिरफ्तारी दी है उनको, क्योंकि इलेक्शन पास में आ रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि वो वोट नहीं ऐसा काम कर पाए इसलिए दूर हटाया जा रहा है उनको, क्योंकि भाई हमें बहुत सहारा है उनसे। नहीं हो रहा कोई काम इधर, पानी नहीं है सिर्फ 2000 लीटर पानी 600 रुपये का मिल रहा है। हम तो कहते हैं जो जैसे जो है आदमी जिसको सजा मिले। रिमांड बढ़ा दिए गलत है, केजरीवाल अच्छे आदमी है, बढ़िया है, हर एक चीज़ है, पब्लिक को सुविधा है, लेडीज़ों को फ़ायदा है, गाड़ी में फ्री जाती हैं, बसें फ्री चल रही हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि चाल है ये सरकार की और क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए उनको अंदर कर दिया, आप क्या कहेंगे? चाल तो है सरकार की, क्योंकि बीजेपी बाहर वो मतलब अरविंद केजरीवाल बाहर ना आए ऐसे वो प्रचार करेंगे तो उनका ज़्यादा दबदबा और बढ़ेगा, इसलिए उन्हें दबा दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कुछ काम वाम किया है? काम किया है पर कुछ रह भी रहा है बाकी, केजरीवाल जी ने स्कूल में किया, रोड रह रहे हैं, अभी सोनिया विहार का पानी नहीं आया अभी, बाकी वैसा पानी, लाइट फ्री, बस फ्री, सब काम कर रहा है धीरे धीरे, केजरीवाल की सरकार अच्छी है। अगर आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है, उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? भाई बाहर होना चाहिए, काम वाम करा है कुछ? अच्छा करता, काम तो ठीक है। क्या कुछ काम किया है जो आपके लिए फायदेमंद रहा? नहीं, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी काम किया है और अभी देख रहे हैं लेडीज़ फ्री चल रही है हर चीज़ के लिए, कंट्रोल है, ऐसी बात नहीं है। मैं 10 साल को लेकर देखता हूँ, 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो इस बार हमारे 10 साल में जो काम करके दिया केजरीवाल सरकार ने, आप देख सकते हैं सामने स्कूल है, जे ब्लॉक स्कूल है, इसके अंदर लोग धरती पर बैठते, आज बिल्डिंग शानदार खड़ी हुई है, शिक्षा पूरे हैं इसके स्कूल के अंदर, सब काम अच्छा हुआ है, रोड का है, जहाँ दलदल रहता था पानी में इतना चढ़ के आना पड़ता था, आज रोड पर चल रहे हैं, स्कूलों में गलियों में देखिए अब एक एक गली पक्की करा दी है, कैमरे का काम हुआ है, गेटों का काम हुआ है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पानी पे, बिजली पे, सब पे काम करके दिया केजरीवाल सरकार ने। अच्छा, आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अभी जेल में है, उनकी रिमांड और बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? वो गलत कर रही हैं, बीजेपी ने जो किया वो गलत किया है, गिरफ्तार तो ईडी ने किया और अब कोर्ट, ऐसा है देखो ईडी भी केंद्र सरकार के द्वारा चल रही है वो भी, और केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी बीजेपी जो करा रहे हैं ना उनके हिसाब से चल रही है ईडी, वो 15 साल रिमांड बढ़ा दी, कुछ नहीं है, और उनके घर से कुछ नहीं मिला, संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, सत्येंद्र जी के घर से कुछ नहीं मिला, और अपने ये शिक्षा मंत्री हैं मनीष जी के घर से भी कुछ नहीं मिला, इतने अच्छा काम करने वाले जिसने अच्छा काम किया शिक्षा स्वास्थ्य पानी पे, उन सबको उन्हें जेल में डाल दिया। ये कि आपके यहाँ कोई परेशानी है मोहल्ले में, सब क्या है, कैसे व्यवस्था है? देखिए
परेशानी तो ऐसी है, कोई विकास नहीं है दिल्ली का, पहली बात जो है। दूसरी बात जो करता है वैसा भरना पड़ता है। तो ये शराब अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक के संग एक बोतल दो गरीब आदमी मर जाएगा वो तो, और एक बोतल के संग एक घी का डिब्बा दे दो तो सही है, विकास भी नहीं है। पानी भी मोल बिक रहा है क्या, पर यहाँ सब खंडहर पड़ा हुआ है, कोई भी विकास नहीं है यहाँ पर। जेल आपको पता होगा कि जेल में रिमांड और बढ़ गई है उनकी। हाँ बढ़ गई है जेल। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी वाले, कह रहे हैं कि साजिश है ये। वो तो कहेंगे कहेंगे, वो तो यूँ कहेंगे कि उनकी तनख्वाह बढ़ गई है MLA की सबकी, और कोई खूब घोटाले में जा रहे हैं कहेंगे। वो तो घोटाला क्यों करते हैं, और जब खुद कह रहे थे घोटाला करेंगे हम बंद करेंगे, आप खुद कर रहे हो। लेकिन संजय सिंह अब जमानत पर बाहर आ गए। हाँ वो जमानत पर बाहर है, कोई मतलब उसके लिए कोई ऐसी कानून आई है जो कि वो बाहर आएगा, कसूर नहीं होगा उसका, कम होगा, इनकी जमानत नहीं होनी है। वो हमारे यहाँ कोई परेशानी, बस पानी की खाली ये दिक्कत है, यहाँ बोर नहीं है और वैसे पानी रोज मिल गया हमें। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, आपको पता होगा अभी उनकी रिमांड और बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं वो होने नहीं चाहिए जेल में, जेल में तो इन्हें ज़बरदस्ती में रखा गया, और ये भी सबको पता BJP की साजिश है ये तो हम भी जानते हैं, सारी पब्लिक जानती है कि इन्हें बेगुनाहों को फंसाया गया, और हम नहीं चाहते कि वो रहे जेल में। बिना संजय सिंह को तो जमानत मिल गई है जी, बहुत हमें बहुत खुशी हुई बिना जमानत मिली तो। क्या क्या काम हुए हैं उनके सर? सारे काम कर रहे हैं वे, देखो रोड भी बनवा रहे हैं, अब स्कूल भी बनवा, डिस्पेंसरी भी खुलवाई, सारे काम करवा रहे हैं, पानी भी मिला, सब कुछ मिला, टैंकर भेज रहे हैं यहाँ रोज का, और हमें क्या चाहिए? BJP नहीं देखती आके इधर, कोई मरिया कोई जीरिया क्या कोई करिया, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो आपने सुना दिल्ली की जनता का मूड क्या है, हमने उनसे पूछा था कि क्या अरविंद केजरीवाल की डिमांड बड़ी है, वो बढ़नी चाहिए या नहीं, दिल्ली की जनता ने क्या जवाब दिया ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP Live।